पे इंफोटेक उनके फैमिली मार्ट प्लान द्वारा आपके सामने पेश कर रहे हैं वही यौवन का झरना। रोमानी लोग इसे मैम ऑटम कहते हैं, बाइबल इसे ईस्टर्न सी और ज्यूज इसे सी ऑफ सॉल्ट कहते हैं। और हम सब इसे किस नाम से जानते हैं? मृत सागर। ओके, तो हम सब लोगों ने मृत सागर के बारे में सुना है, लेकिन उसे यौवन का झरना क्यों कहते हैं और उस जगह का क्लियोपेट्रा और उनकी खूबसूरती से क्या ताल्लुक है? पूछते हैं एक्सपर्ट से। हाय, ये तो बहुत ही दिलचस्प विषय है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, मृत सागर। मृत सागर पृथ्वी के सबसे निचला स्थल पर जेरूसलम के पास जुडियन रेगिस्तान के एकांत जगह पर स्थित है। इस एकांत के कारणवश मृत सागर पर आज के प्रदूषण का कोई असर नहीं हुआ। वहाँ वही सॉल्ट्स पाए जाते हैं जो मनुष्य के सेल्स में होते हैं। मृत सागर के मिनरल्स या सॉल्ट मनुष्य के त्वचा के लिए बहुत लाभकारी है। इसका संतुलित मूल तत्व हमें देते हैं ताजगी और त्वचा के लिए अत्युत्तम है। इसे प्रसिद्ध है मृत सागर के पानी में 27% नमक है, जबकि साधारण सागर के पानी में सिर्फ 3% है। एक और बात, साधारण समुद्री पानी के नमक में करीबन 80% सोडियम होता है, जबकि मृत सागर के पानी में सोडियम इससे कई गुना कम होता है। मृत सागर के पानी में बाकी के नमक में मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम क्लोराइड और ब्रोमाइड्स होते हैं। ओके, बहुत हो गया नमक का विश्लेषण। हम में से बहुत लोगों ने इसे 10वीं कक्षा में पढ़ा होगा। एक चुटकी नमक जो हम करी और स्नैक्स में मिलाते हैं, इसके अलावा इसका क्या उपयोग हो सकता है? अरे नहीं, हम करी वाले नमक की बात नहीं कर रहे हैं। सच तो ये है कि साधारण समुद्री नमक में सोडियम क्लोराइड 95% है, लेकिन मृत सागर के नमक में सिर्फ 18% है। बाकी के मृत सागर वो खनिज हैं जो करी और स्नैक्स की तुलना में आपके शरीर और त्वचा को ज्यादा लाभ देती है। मान लिया मैडम, आप अभी ये बताएं कि इस मृत सागर के नमक के गुणों का त्वचा पर क्या असर होता है और क्लियोपेट्रा की खूबसूरती से इस खनिज का क्या रिश्ता है? मृत सागर एक नमकीन तालाब है जो 1300 फीट समुद्र तल के नीचे स्थित है। वास्तुशिल्पीय कार्यों की वजह से इसका अस्तित्व हुआ। कोई भी नदी मृत सागर से बाहर नहीं जाती है और एवेपरेशन के माध्यम से ही इसके पानी बाहर जाती है, इसलिए यहाँ नमक का अत्यधिक केंद्रीकरण होता है। इसी वजह से लोग डूबे बगैर पानी पर तैर सकते हैं। त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा इंद्रिय है। मृत सागर के नमक का सबसे ज्यादा प्रभाव इस पर है। हमारी त्वचा मृत सागर के नमक और विटामिन्स को चूस लेता है, जिससे रक्त संचारण और मेटाबॉलिज्म पर प्रभाव होता है। इसका नमक हमारी त्वचा को एक्सफोलिएट करके शुद्ध और चमकीला बनाता है। अत्यधिक मात्रा में नमक हमारी त्वचा को ज्यादा पानी चूसने के लिए मदद करता है। ये सूखापन हटाकर गीलापन बरकरार रखता है। इसमें कुछ प्राकृतिक तेल ऐसे भी हैं जो निर्जलन को भी रोकते हैं। कुल मिला के ये आपको अद्भुत त्वचा के साथ प्राकृतिक सौंदर्य भी देती है, क्लियोपेट्रा जैसी। सच बात ये है कि मृत सागर है जीवन का सागर। अच्छा, तो इसलिए पुराने रोमाली लोग और ज्यूस अपने बाथरूम मृत सागर के पास रखते थे ताकि वो उसके पानी और मिट्टी का इस्तेमाल कर सके। हाँ, यही क्लियोपेट्रा की खूबसूरती का राज था। इन्हीं खनिज पदार्थ और नमक के गुणों से ही उन्हें अपनी यौवन वापस मिली और उसे बरकरार भी रखा। आप यकीन करेंगे, यही जादुई और अद्भुत रहस्य अब आपको भी मालूम होगा कुछ ही देर में। वाह, तो क्लियोपेट्रा की खूबसूरती का राज मुझे अभी यहीं मिलेगा? हाँ, क्यों नहीं, मेरी त्वचा भी क्लियोपेट्रा के जैसे सुंदर हो जाएगी। इतना ही नहीं, मृत सागर के सारे आरोग्यकारी गुणों का आनंद अब आप और आपके परिवार उठा सकते हैं, और उसके लिए आपको जॉर्डन या मृत सागर नहीं जाना पड़ेगा। उसे आरती आपके लिए ला रहे हैं। ओह, मृत सागर मेरे घर पर आएगी? हाँ बिल्कुल। कैसे? ये देखिए। आरएमपी पेश करते हैं मृत सागर के राज आपके घर पे, क्लैरेट रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, मृत सागर के सारे गुणों के साथ। क्लैरेट के बदौलत अब आपका बाथरूम मृत सागर स्पा में बदल जाएगा। हाय, एक बात बताइए, मृत सागर का नमक त्वचा के लिए तो ठीक है, पर शैम्पू में और बाल के लिए? शक जायज है। मृत सागर नमक में वो खनिज पदार्थ है जो आपके बालों को प्राकृतिक पोषण दिलाती है
और सेबम की संतुलन रखने में और चिपचिपा न होने में मदद करती है। इतना ही नहीं, क्लैरिट है वो टी नेचुरल मॉइस्चराइजर के साथ आता है जो आपके बाल को सारा दिन नरम रखता है और नमी बनाए रखता है। B5 विटामिन देते हैं कंडीशनिंग इफेक्ट और नरमी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बाहर जाने से आपके बाल रूखे और सूखे हो जाएंगे। बेफिक्र रहिए, नहीं होंगे। SW400 थिकनर आपकी शिखा को स्वच्छ रखने का काम करता है, सर्फेक्टेंट के रूखेपन को संतुलित कराता है और क्लैरेट्स में सिलिकॉन है जो आपके बाल को सारा दिन चमकीला रख सकता है, जिससे आपके बाल लहराते रहेंगे। मैं अपने बचपन से एक ही टूथपेस्ट ब्रांड इस्तेमाल करती आई हूँ, अब आपका ब्रांड क्यों चुनूं? ये भारत का पहला टूथपेस्ट है जो सिर्फ प्राकृतिक कैल्शियम प्यूरिकॉल से बनाया गया है और ये एक सुरक्षित एंटी टाटर एजेंट है। परीक्षण से हमें ये पता चला है कि सलाइवा पर और मुंह के अंदर कोई हानिकारक असर नहीं होता। प्राकृतिक कैल्शियम के साथ इस टूथपेस्ट में जिंक और मृत सागर के खनिज पदार्थ भी है जो सिर्फ इसी टूथपेस्ट में मिलता है। ये है 100% शाकाहारी, तो बिना कोई शक के अब तो अपनाओगे ना? अपनाओगे, मैंने तो अपना लिया। इस हैंड वॉश के बारे में कुछ बता सकते हैं? साधारण साबुन और हैंड वॉश में सर्फेक्टेंट्स आपके हाथों को रूखा और सूखा बना देती है, पर क्लैरिट के अंदर SW400 इसके असर को संतुलित करता है और इसके प्राकृतिक मॉइस्चराइजर आपके हाथों को कोमल और ताज़ा बनाए रखता है। मृत सागर का नमक आपके हाथों को मुलायम रखता है, जिसे आपके साथ हाथ मिलाते वक्त लोग जरूर महसूस करेंगे। मेरी त्वचा सूखी है, साबुन इस्तेमाल नहीं कर पाती, पर इस साबुन को इस्तेमाल कर सकती हूँ? हे रिलैक्स, ये आपके लिए बिल्कुल सुरक्षित है। फैटी एसिड्स और सर्फेक्टेंट्स का मिश्रण आपकी त्वचा को कोमलता से साफ करता है। प्राकृतिक मॉइस्चराइजर इसे नरम, मुलायम और ताज़ा रखता है। अब आपको नहाने के बाद वो रूखापन का अनुभव नहीं करना पड़ेगा। क्लैरिट बॉडी बार भारत का पहला साबुन है जिसमें विटामिन B5 है जो त्वचा को कंडीशन करके उसे यौवन भरा दिखाता है। उसके अतिरिक्त मृत सागर के नमक के खनिज पदार्थ रक्त संचालक का काम करता है, जिससे आपके त्वचा को तुरंत ऊर्जा मिलता है और ताजगी भी। इससे आपको नहाने की स्फूर्तिदायक अनुभव मिलती है। हे, इन प्रोडक्ट्स को जितना इस्तेमाल करती हूँ उतना ज्यादा पसंद करती हूँ। पर ये हेयर ऑयल, क्या ये मेरे बेजान और रूखे बाल पे असर करेगा? मनुष्य के शरीर का सबसे खूबसूरत हिस्सा उनके बाल है, खासकर औरतों में। हमारे हेयर ऑयल में विभिन्न प्रकार के पदार्थ हैं जो बालों को पोषण तत्व देकर कंडीशनर और सॉफ्टनर के काम करते हैं और बालों को देते हैं जान। प्राकृतिक खनिज पदार्थ जिसका आधार मृत सागर है, हमारी शिखा के त्वचा पर रक्त संचालन को संतुलित करता है। इसलिए इस तेल से मसाज करने से बालों को ज्यादा चमक देकर फुर्तीला बनाता है और मन को भी शांति मिलती है। अरे वाह, इनके पास बॉडी टाल्क भी है, क्लैरेट बॉडी डस्ट। क्या इसमें भी कुछ खास है? टाल्क एक ऐसा मिनरल है जो अधिकतम तेल को चूसकर त्वचा को ठंडा रखता है। क्लैरेट बॉडी डस्ट में है पॉलिशिंग एजेंट जो त्वचा को शुद्ध करता है, एक हल्की एस्ट्रिंजेंट जो पोर्स को बंद करने में मदद करता है और त्वचा को चिपचिपाहट के बगैर कोमल और मुलायम रखता है। क्लैरेट बॉडी डस्ट